हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 10 बज चुके हैं और आज मैं जा रही हूँ जामा मस्जिद के पास बर्ड मार्केट में, जो लाल किले के एकदम सामने लगती है। जून का महीना है, गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपके लिए जा रही हूँ, आपको दिखाऊंगी दिल्ली की सबसे बड़ी बर्ड मार्केट, जहाँ पर सभी तरह के पक्षी मिलते हैं और उन सब पक्षियों से भी आपको रूबरू कराऊंगी। और यहाँ से मेट्रो स्टेशन पड़ता है वहाँ पर जामा मस्जिद का, चांदनी चौक का, लाल किले के, कोई से भी मेट्रो स्टेशन से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। लेकिन बर्ड्स इतने ज़्यादा फर्स्ट क्लास सुंदर पक्षी आपको देखने को मिलेंगे कि आपका मन करेगा कि अगर आपको भी वैसे पक्षी चाहिए या देखने हैं तो वहाँ पर आकर जरूर देखेंगे। तो थोड़ी देर में मैं वहाँ पर चलती हूँ। एक तो वहाँ पर गॉगल्स ले जाना बहुत जरूरी है, पानी की बोतल ले जाएं, मास्क दो अपने साथ रखें, दो डबल मास्क लगाएं और पूरी प्रिकॉशंस के साथ मैं वहाँ पर जाऊंगी। जल्द मिलते हैं। मैं अभी लाल किला पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पर आने के लिए जामा मस्जिद और लाल किला दो मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से आपको चंद कदमों की दूरी पर आप यहाँ पर पहुँच सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सैर कराऊंगी बर्ड मार्केट की, जो जामा मस्जिद के पास है दिल्ली में, लाल किले के सामने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास ये बर्ड मार्केट लगती है। और यहाँ पर आपको सभी तरह के पक्षी मिलते हैं, चाहे वो तोता हो, चाहे वो चिड़िया हो, और चाहे वो देशी हो, चाहे वो विदेशी हो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये गिनी पिग है, गिनी पिग, ये गिनी पिग है, हैमस्टर भी बोलते हैं, और ये है तोते, और ये तरह तरह के तोते हैं, कहीं भारतीय हैं, कोई देशी है, कोई विदेशी है, अभी तक सारे भारतीय हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के गिनी पिग है, और ये है खरगोश, छोटे छोटे से खरगोश है, और ये चिड़िया है, ये देखो ये जावा चिड़िया है, और ये बहुत बढ़िया चिड़िया होती है, और इनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, और ये वाली सुंदर बहुत है, इनकी फ्लोरोसेंट कलर है, देखो कलर कितना प्यारा है, और ये देखो हरे रंग की है, नीले रंग की है, स्काई ब्लू है, और जो ये फ्लोरोसेंट कलर है ना, ये फ्लोरोसेंट कलर ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है, हरे रंग की भी है, हरा मतलब तोता ही रंग, और जो फ्लोरोसेंट है ना ये ज़्यादा सुंदर है। ये वाली जो चिड़िया है ये ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही सुंदर चिड़िया है, ये देखो ये बहुत सुंदर चिड़िया है, और ये खरगोश है, देखो पत्ता गोभी खा रहे हैं ये। और इसी तरह की यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंजरे दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत पिंजरे हैं, लाल, नीले, पीले, गुलाबी, बहुत सुंदर पिंजरे हैं, और इसके अंदर लख रखा है एक छोटा सा बर्ड हाउस, ये देखो ये बर्ड हाउस बना रखा है मिट्टी के घड़े से उसमें छेद करके, बहुत सुंदर बर्ड हाउस है, ये दिख रहा है ना आपको। और ये गुलाबी रंग का पिंजरा देखिए कितना खूबसूरत है। इसी तरह के यहाँ ये देखिए कितने खूबसूरत होते हैं, इनकी कलरी देखो कितनी सुंदर है। और ये वाले तोते, इनकी गर्दन है ना एकदम भगवा रंग की, बहुत सुंदर तोते हैं ये तोते हैं, और ये मिट्ठू मिट्ठू बोलते हैं। हमारे पास भी एक ऐसा तोता था जो कि उड़ गया है, ये देखो कितने सुंदर तोते हैं छोटो। ये वाले तोते देखो, ये वाले तोते भी बहुत सुंदर हैं, ये वाले तोते भी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुंदर तोते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर बर्ड हाउस है ना फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सुंदर है, ये देखिए ये इस तरह के पिंजरे हैं, और छोटे बड़े सब साइजों में पिंजरे हैं यहाँ पर, और पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, और इसमें ये हंडियाँ रखी हैं ना, छेद वाली जो हंडियाँ हैं ना, इनमें पक्षी रहते हैं। और मैं आपको लाइव इसलिए डाल रही हूँ, आवाज़ इसलिए सुना रही हूँ डायरेक्ट, ताकि आपको चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे, पता लगे कि मैं बाद में डब नहीं कर रही हूँ इसको, बिल्कुल डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये चिड़िया हैं, बहुत शानदार चिड़िया हैं, जावा चिड़िया हैं, और कह रहे हैं कि इनकी लाइफ अच्छी होती है।